महापौर सीताराम जायसवाल ने मंगलवार को रात्रि तट पर बने तीनों घाटों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि रात्रि तट पर बने रामघाट, राजघाट व गुरु गोरक्षनाथ घाट का निरीक्षण किया गया है। महापौर ने बताया कि इन घाटों को कार्य सिंचाई विभाग कर रहा है, जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक इन घाटों की देखरेख सिंचाई विभाग के हाथों में रहेगा, लेकिन मानवता की दृष्टि से नगर निगम तीनों घाटों की साफ सफाई व देखरेख कर रहा है। उन्होंने कहा कि घाटों के निर्माण कार्य पूरा होने पर इसकी देखरेख नगर निगम करेगा। महापौर ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि यह जगह सभी लोगों के लिए है, इसकी देखरेख व जिम्मेदारी सभी नागरिक की भी है, इसलिए घाट पर कूड़ा करकट ना फेंके। इस अवसर पर नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा अब हम लोगों के लिए भी ठीक है, आएंगे टहल कर थोड़ा देर। पूरा खत्म हो जाएगा, आज आ जाएगा, आज आ रहा होगा सर, अब पहुंचेगा रात में। बस अटका दे आ रहे हैं। ऐसा है, एक बरसात में एक फीट नीचे जाएगा। ये होगी जैसे कि आप ऐसे ये करोगे और चला जाए, आप लोगों को बीसी भी है। सर, आपके द्वारा घाट का निरीक्षण किया गया था आज राप्ती तट पर, हम लोगों ने राजघाट और रामघाट और गुरु गोरखनाथ घाट का निरीक्षण किया है। चूँकि सिंचाई विभाग बना रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब तक नगर निगम हैंडओवर नहीं होगा तब तक पूरी व्यवस्था सिंचाई विभाग दे रहा है। मानवता की दृष्टि से नगर निगम वहाँ पर सफाई व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है और हम लोग उसकी पूरी सफाई करा रहे हैं और तब तक कराते रहेंगे जब तक कि वो हैंड ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग विशेष वहाँ टीम लगाएंगे, तय कि वहाँ नागरिकों को अवेयर होना पड़ेगा कि वहाँ पर जो घाट स्वच्छ और सुंदर रखने की जिम्मेदारी नागरिकों को भी बनती है। जब तक अवेयर नहीं होंगे और कूड़े करकट को जगह जगह फेंकेंगे तो वहाँ गंदगी हमेशा बनी रहेगी। साथ ही साथ हमारी नगर निगम की पूरी टीम वहाँ पर गई हुई थी, हमारे नगर आयुक्त साहब, चीफ इंजीनियर, नगर स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश रस्तोगी, हमारे उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा जी, स्थानीय पार्षद संजय श्रीवास्तव, मदन अग्रहरी, ये सब लोग गए हुए हैं। हम लोगों ने वहाँ व्यवस्था देखी है, अभी साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर है। नगर निगम सुबह शाम दोनों टाइम सफाई करा रहा है, आगे भी तब तक कराता रहेगा और जब तक कि वो पूर्ण हैंड ओवर नहीं हो जाता हमको तो हम वहाँ विशेष टीम परमानेंट लगा देंगे। तो देखने गए थे सफाई व्यवस्था के लिए, वो सब सही है, ठीक है।